समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र ये आज का हमारा टॉपिक है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संदर्भ में सबसे पहले हमें स्पष्ट कर दूं कि विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से होता है जहां तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है, यानी कि वो सीमाएं किसी भी विषय के बारे में जिसका अध्ययन हम किस सीमा तक कर सकते हैं, उनकी अधिक से अधिकतम मुमकिन कौन कौन से विषयों को उसको मैं उसमें ले सकते हैं, वो उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मूल रूप से विभिन्न विद्वानों में, विभिन्न विचारकों में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर भी एकमतता का अभाव पाया गया है। इसलिए मोटे तौर पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो बड़े भागों में बांटा गया है, दो प्रकार के उसमें स्कूल्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है वो विद्वान जो उसको स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय बनाना चाहते थे, इसमें वो विद्वान आते हैं जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे, और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय, इसमें वो विद्वान या विचारक आते थे जो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की उसको बनाना चाहते थे। इस रूप में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल। प्रथम मत या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तकों में जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल आते हैं। इस समाज संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकान, वॉनबीच, मैक्स वेबर तथा टॉनिच आदि प्रमुख विद्वान हैं। जॉर्ज सिमेल ने अपने स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उनके अनुसार सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है, तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो मानते हैं कि इन दोनों का स्वरूप जो है, हर जो भी भौतिक और अभौतिक वस्तु है उसके दो प्रकार के स्वरूप में देखने को मिलेंगे, एक जो उसका बाहरी स्वरूप है, एक उसकी अंतर्वस्तु होती है, तो दो रूपों में उसको देख सकते हैं। तो इन दोनों का इन एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, उदाहरण के रूप में एक से स्वरूप वाली बोतलों में से एक में पानी, दूसरी में दूध और तीसरी में शराब भरी जा सकती है। पानी, दूध और शराब का बोतलों के स्वरूपों पर और इनके स्वरूपों का बोतलों की अंतर्वस्तु अर्थात पानी, दूध या शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे जो सामाजिक हमारे संबंधों के स्वरूप है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अनुकरण, सहयोग, अधीनता, श्रम विभाजन, ये सारे सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं। और उसकी अंतर्वस्तु जो है उसमें आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल इत्यादि, ये सब उसके अंतर्वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि अंतर्वस्तु और स्वरूप ये बिल्कुल पृथक पृथक दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, इन दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमें केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का पर ही अध्ययन हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे विद्वान जो इस मत के हैं, वीरकांत, उनके अनुसार समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। यानी कि उनके हिसाब से मानसिक संबंधों के जो अंतिम स्वरूप है, स्वरूपात्मक रूप से ही उसका भी अध्ययन करना है, क्योंकि यही जो संबंध है, यही संबंध एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बांधते हैं, तो उन संबंधों का केवल हमें स्वरूपात्मक रूप से ही हमें अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार से वॉनविच के विचार में उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। इसी क्रम में मैक्स वेबर भी आते हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन क्षेत्र माना है। वो भी मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करना चाहिए, और सामाजिक क्रियाओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि मानव का वह व्यवहार जो कि अर्थपूर्ण ढंग से किया गया हो, जो अर्थपूर्ण है तथा साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक क्रिया अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में केवल इतना ही समझा जा सकता है कि सामाजिक क्रियाएं वो होती हैं
मैक्स वीबर ने उन उस प्रकार की सभी प्रकार की क्रियाओं को सामाजिक क्रिया कहा है जो कि मानव एक अर्थपूर्ण प्रकार तरीके से करता है, उसका अपना एक निश्चित उसका अर्थ होता है तथा जो दूसरों के व्यक्तियों से उसके भूतकाल या भविष्य से प्रभावित भी होती है। तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं जो होती है उसको मैक्स वीबर सामाजिक क्रियाएं मानते हैं। उन्होंने माना भी है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो उन्होंने कहा सामाजिक क्रियाओं का जो है हमें केवल स्वरूपात्मक रूप से ही उसका अध्ययन करना चाहिए। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। लेकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय की भी अपनी कुछ कमियां हैं, उनके इस दृष्टिकोण में भी बहुत सारी कमियां हैं। उन्हीं कमियों में से कुछ प्रमुख जो है उनको यहां हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली कमी, यह कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि इस मत के जो संप्रदाय को मानने वाले जो विचारक हैं, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि सामाजिक जो समाजशास्त्र जो है वो एक ऐसा विज्ञान, ऐसा इस प्रकार की ज्ञान की उसकी शाखा बनाई जानी चाहिए जो कि अन्य विज्ञान जो है उसके ऊपर अंतर्गत उसके स्वरूपों का, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन नहीं करते हैं। इसे समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये बात उनकी सही नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है। कई अन्य ऐसे विज्ञान हैं जिनके द्वारा भी इस प्रकार के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कानून शास्त्र में प्रभुत्व के बारे में, शक्ति के बारे में, सत्ता के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। दूसरा, इस संप्रदाय में स्वरूप तथा अंतर वस्तु में भेद किया है, लेकिन सामाजिक संबंधों में स्वरूप और अंतर वस्तु को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसा कि जॉर्ज सिमेल ने उदाहरण भी दिया तीन बोतलों का, कि उसमें अलग अलग अगर दूध, पानी और शराब रख दी जाए तो उनका एक दूसरे के, न तो बोतलों के स्वरूप पर प्रभाव पड़ेगा न उनकी अंतर वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये बोतलों के उदाहरण के लिए तो ठीक है, लेकिन सामाजिक संबंधों के में ये बात सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जैसा बाहरी स्वरूप होगा उसका अंतर वस्तु भी वैसी ही होगी, और अंतर वस्तु के आधार पर ही उसके बाहरी स्वरूप पर भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही बात नहीं है कि स्वरूप तथा अंतर वस्तु जो है बिल्कुल भिन्न है और उनमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी आलोचना, समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान ये विद्वान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक विज्ञान दूसरे विज्ञान की मदद से कोई अपनी बात कहता है, तो ये कहना भी ठीक नहीं है। चौथी इसकी जो कमी है वो ये है कि इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर देते हैं, ऐसी दशा में इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि विषय के विकास की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे जो विचार रख रहे हैं उनके ऊपर विषय बात करें, और वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबाउस तथा गिन्सबर्ग आदि हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान की बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के में हैं। इस पक्ष में जो प्रमुख उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसमें दो प्रमुख तर्क देते हैं। पहला तर्क है कि समाज की प्रकृति मानव शरीर के समान है, जिसके सभी अंग एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हैं, और एक अंग में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। यानी कि स्वरूप और अंतर वस्तु बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल जैसे मानव शरीर में सभी अंग एक दूसरे से भले ही वो अलग अलग दिखते हों बाहरी तौर पर, सबके अपने अपने कार्य हैं, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ में घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, और किसी भी अंग पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार से इनका दूसरा तर्क है कि ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। हम अगर अन्य सामाजिक विज्ञानों को देखें, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या जो भी हो, वो किसी न किसी एक पक्ष को लेकर अध्ययन करते हैं। सभी पक्ष, सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन करने वाला शास्त्र अभी तक नहीं बना। इसलिए समाजशास्त्र को यह कार्य करना है कि वह सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन करने का प्रयास करें। इसलिए वो इसको एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष की बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो विद्वान आते हैं वो आते हैं हॉबाउस। हॉबाउस के अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यकरण करना है।
बहुत स्पष्ट तौर पर हाँ बाबू ने कहा है कि समाजशास्त्र को क्या करना है, जो विभिन्न अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों और उनके जो मूल तत्व हैं, उनके जो सार तत्व हैं, उनके बीच पाए जाने वाले सामान्य उन तत्वों का पता लगाना है जो कि सभी के अंतर्गत पाए जाते हों और वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हों, उन सामान्य तत्वों का पता लगाना है और उनका सामान्यकरण करना है। इसी क्रम में दूसरे जो विद्वान आते हैं वो है दुर्खिम। हालांकि दुर्खिम प्रमुखतः तो यही बात कहते थे कि पहले तो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान ही बनना है ताकि वो अपनी कुछ पद्धति का विकास कर सके, लेकिन तदंतर कालांतर में उसी समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान भी बनना है ताकि दूसरे विज्ञानों के साथ में वह मिलकर पूरे संपूर्णता से समाज का अध्ययन करवाए, क्योंकि दुर्खिम व्यक्तिवादिता के घोर विरोधी थे। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिसने सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है, जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, जो समूह की स्वीकृति, सभी लोगों की स्वीकृति से जो नियम बनते हैं उन सामाजिक तथ्यों के ही अध्ययन के ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया है। इन्हीं के अध्ययन से समाज को सही प्रकार से समझा जा सकता है, ये दुर्खिम का मानना है। और इसी श्रेणी में सोरोकिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक विद्वान है, उनकी भी अपनी व्याख्या है। सोरोकिन के अनुसार कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, सभी को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर समाज को समग्र रूप से समझा सके। कुल मिलाकर हाव-हाव, दुर्खिम, सोरोकिन सभी इसी बात पर बात करते हैं कि अभी तक ऐसा कोई विषय नहीं बना समाजशास्त्र से पूर्व जो कि समग्र रूप से सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता हो। तो समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान बनना है जो इन सभी सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत जो सार तत्व जो पाए जाते हैं उन सबके निष्कर्षों में एक समन्वय स्थापित करके समग्र रूप से समझने का प्रयास कर सके, उसको समझाने का प्रयास कर सके। और इसलिए यहाँ पर सोरोकिन ने एक अपना डायग्राम भी बताया था, जैसे आर्थिक संबंध, अब ये उसका स्वरूप है, मान लीजिए आर्थिक संबंध जो है उसी में सामने दिया हुआ है ABCDEF, राजनीतिक संबंध ABCGHI, वैधानिक संबंध ABCJKL, मनोरंजनात्मक संबंध ABCMNO, धार्मिक संबंध ABCPQR। अगर इस रूप में अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो स्पष्ट तौर पर आप ये पाएंगे कि प्रत्येक प्रकार के क्रिया में, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मनोरंजनात्मक हो, चाहे वो वैधानिक संबंध हो, सब में कुछ सामान्य तत्व अवश्य पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है ABC, उनमें एक सामान्य तत्व है, कुछ ऐसे से ही सामान्य जो है वो तत्व हैं। इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना है। प्रत्यक्ष से हर एक की अपनी विशेषता हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाए जाएंगे जो कि वो उनमें एक साथ में एक जैसे उनमें देखने को मिलेंगे, और समाजशास्त्र को इन्हीं प्रकार के जो सामान्य जो तत्व हैं, इन सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र को करना है, ताकि सभी उन सामान्य तत्वों और सामान्यकरण के आधार पर एक दूसरे के प्रभावों को, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का जो है समाजशास्त्र कार्य कर पाए, ये वो विद्वान चाहते थे। लेकिन इस दृष्टिकोण की भी अपनी कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पर समन्वयात्मक संप्रदाय की कमियां, सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रगटनाओं का अध्ययन करने से समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की खिचड़ी बन जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है जो इसकी की कमी लगती है कि अगर समाजशास्त्र में हम सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करने लगे, हमने सभी चीज़ों को साथ में ले लिया, दूसरे विज्ञानों को भी काम में ले लिया, तो इससे समाजशास्त्र एक वो अलग से जो विज्ञान बनाना चाहते थे वो लोग कहते हैं इससे वो खिचड़ी की तरह बन जाएगा, वो सही रूप में एक विशिष्ट वो अपना स्वरूप नहीं ले पाएगा, ये वो उसकी एक बहुत बड़ी कमी बताते हैं। दूसरी कमी, सामान्य विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा, अतः अन्य विज्ञानों पर उसको आश्रित होना पड़ेगा। तीसरी बात, सूक्ष्म व गहन अध्ययन करना संभव नहीं, क्योंकि सूक्ष्म और गहन अध्ययन संभव तभी हो पाता है जबकि अध्ययन क्षेत्र की अपनी कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। जब अध्ययन क्षेत्र बहुत लंबा, गहरा, बहुत लंबा हो जाता है तो उसमें
सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। और चौथा, समाजशास्त्र की अपनी निश्चित पद्धति विकसित हो पाए, इसमें भी एक बहुत बड़ा जो कमी इसकी देखने को मिलती है। तो इस रूप में देखें तो स्वरूपात्मक संप्रदाय हो चाहे समन्वयात्मक संप्रदाय हो, दोनों ही दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो स्पष्ट है कि दोनों ही संप्रदाय के दृष्टिकोण एकाकी हैं। सही मायने में समाजशास्त्र के अंतर्गत एक और जहां सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, साथ ही सामाजिक घटनाओं के सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक रूप से भी अध्ययन किया जाता है। अतः दोनों ही पक्षों को मिलाकर ही इनकी संपूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, उसको एक सही रूप में उसके पूरे अध्ययन क्षेत्र को समझा जा सकता है। इसी रूप में हम समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को समझ पाते हैं।